एसकेपी 7 न्यूज नालंदा। बिहार के ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने सोगरा कॉलेज सभागार में डिजिटल शिक्षा पद्धति का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को पढ़ने में काफी सुविधा मिलेगी, क्योंकि इस डिजिटल शिक्षा छात्रों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसका लाभ यहाँ के छात्र छात्रा उठा भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल की योजना का शुभारंभ करने के बाद बिहार में शिक्षा के प्रति लोगों में जागृति आए और बड़ी संख्या में लोग स्कूल पहुंचे। उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं और छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का काम किया जा रहा है। वहीं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सरकार द्वारा ऋण मुहैया कराई जा रही है। इसके माध्यम से छात्र ऋण लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और नौकरी मिलने के बाद राशि को लौटा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर नौकरी नहीं मिल पाएगी तो सरकार ऋण की राशि को माफ भी कर सकती है। इस मौके पर कॉलेज के सेक्रेटरी सैयद जाकिर हुसैन ने कहा कि हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लास के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए 5 तरह के ऐप लॉन्चिंग किए गए हैं, जिनमें मेडिकल इंजीनियरिंग, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे शामिल है। उन्होंने बताया कि छात्र छात्राएं इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा छात्रों के बीच डिजिटल आईपैड का वितरण किया गया, जिसमें एक चिप लगा है। इस चिप के माध्यम से उनका अटेंडेंस बनेगा। उन्होंने बताया कि यह सोगरा कॉलेज बिहार का पहला कॉलेज बन गया है जहां इस तरह की सुविधा दी जा रही है। इस अवसर पर डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम कॉलेज के डिप्टी चेयरमैन रूनी खान, जदयू के वरिष्ठ नेता मो असगर शमी, कॉलेज के प्राचार्य सगिरुजम, सोगरा वक्फे स्टेट के मोतवली एसएम शर्फ सहित अन्य लोग मौजूद थे। नालंदा से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। स्मार्ट क्लास का शुभारंभ माननीय मंत्री में ग्रामीण विकास मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री श्री श्रवण कुमार जी के हाथ उद्घाटन हुआ है। आज से हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लास शुरू हो गया। प्लस जितने भी कंपटीशन हैं, मुख्यतः इंजीनियरिंग, मेडिकल और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इनका ऐप्स लॉन्च किया गया है। सभी बच्चों के मोबाइल पे ये डाउनलोड किया जा रहा है, जिससे बच्चे अपने घर पे भी बैठ के जानकारी हासिल कर सकते हैं। दुनिया के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े जो लेक्चरर हैं, उनकी उसमें लेक्चर है, वो निकाल करके अपने मोबाइल से पढ़ सकते हैं। दूसरा ये है कि अब हम आगे कदम बढ़ाने जा रहे हैं कि बीपीएससी कोचिंग के लिए, आईएएस कोचिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट माइटीज बच्चों के लिए अपने स्तर से सोगरा कॉलेज में प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बहुत जल्द ये अपने मंजिल को पहुंच जाएगा और इसमें सरकार का भी योगदान है। सरकार अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, उसका लाभ कैसे अल्पसंख्यकों को मिले, उसका भी प्रचार प्रसार कॉलेज में किया जा रहा है।